प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के जसराना के विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हो गए थे। उनके साथ ही उनकी पत्नी संध्या लोधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। पहले तो इनको फिरोजाबाद के आइसोलेशन वार्ड में ही भर्ती कराया गया था। विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी को उनकी तबीयत ठीक होने के कारण शनिवार को आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी मिल गई, लेकिन उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने पर उन्हें SN मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए 7 मई को ही रेफर कर दिया गया था, जहां पप्पू लोधी के अनुसार उनकी पत्नी को करीब 3 घंटे तक जमीन पर ही लेटाए रखा गया। जिला अधिकारियों के कहने पर ही बड़ी मुश्किलों के बाद उनको एक बेड जरूर मुहैया कराया गया। विधायक के अनुसार अभी भी उनकी पत्नी की हालत कैसी है उन्हें नहीं बताया जा रहा है। बीजेपी विधायक की माने तो SN मेडिकल कॉलेज में अच्छी तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब विधायक की पत्नी को ही जमीन पर लेटना पड़ रहा है तो उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है तो आम जनता का उत्तर प्रदेश में क्या हाल हो रहा होगा। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी की कैसी हालत है ये भी उन्हें नहीं बताया जा रहा है, ना ही उन्हें खाना दिया जा रहा है, ना ही पानी दिया जा रहा है। अधिकारी और डॉक्टर कुछ भी नहीं दे रहे हैं पेशेंट्स को। आपको बता दें कि दिल्ली महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तरह ही यूपी में ही कोरोना की चपेट में आ गया। सबसे ज्यादा खराब हालत लखनऊ कानपुर जैसे बड़े शहरों की है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,847 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन यूपी की जो हालात इस समय बयां विधायक जी कर रहे हैं उससे पहले CM योगी आदित्यनाथ कई दावे कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।